मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल। सो अभी एक चीज़ बोलेंगे, अभी हाँ सही में एक चीज़ अभी दिखा जा रहा है कि पहले डिवोर्स होता था हस्बैंड वाइफ, या फिर वाइफ हस्बैंड को टाइम नहीं दे रहा है इसलिए, मगर अभी के दिन में देखा जा रहा है, मतलब ये जो लॉकडाउन के टाइम जा रहा है इसमें वाइफ हस्बैंड को इतना टाइम दे रहा है, फिर हस्बैंड वाइफ को इतना टाइम दे रहा है, तो चिड़चिड़ा होता जा रहा है सब। तो अभी सबको समझ आ रहा है थोड़ा बहुत डिस्टेंस ज़रूरी है, प्यार में भी थोड़ा बहुत डिस्टेंस ज़रूरी है, ये बात तो है। मगर ये चीज़ बोलेंगे कि ये आपका ऐसा क्रूशल टाइम है ना, जो टाइम देखिए हम तो चाहेंगे हम लोग का कोई भी इंसान नहीं जाए, और डेफिनेटली कोई ना कोई तो डेफिनेटली अफेक्टेड हो रहा है, गुजर भी रहा है, दैट इज़ अनदर इशू। मगर हम लोग थोड़ा पॉजिटिव वे में सोचेंगे, दैट इज़ हम लोग तो जियेंगे डेफिनेटली। तो उसमें क्या होगा, ये जो आपका टाइम है ना, जो इम्पोर्टेंट टाइम है, जो क्रूशल टाइम है, ये आपका कभी रिटर्न आएगा नहीं। सो यही टाइम में जी लेना है, पार्टनर को टाइम देना है, क्योंकि कल के दिन में जब लॉकडाउन खुल जाएगा तभी क्या होगा, आप फिर से काम में बिजी हो जाओगे, उतना टाइम नहीं दे पाओगे आप, सॉरी, या फिर आपका हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, वो भी टाइम नहीं दे पाएगा। सो यही आपके लिए बेस्ट टाइम है, आप उसको पहचानने के लिए याद कीजिए ना, थोड़ा पहले का पल कितना अच्छा था। क्या होता है, बहुत समय बहुत टाइम जाने के बाद ना थोड़ा बहुत कुछ धीमा पड़ जाता है, उस सबको ठीक करना है, हम लोग को ही ठीक करना है, हम लोग ठीक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और ये आपका मस्त, मतलब बहुत अच्छा टाइम है, जब आप बहुत सारे बातें डिस्कस कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत एक्टिविटी कर सकते हो फैमिली में। ये चीज़ बोलेंगे कि देखिए सभी रिश्ते में ना बात करना बहुत ज़रूरी होता है, मगर हम लोग के पास तो टाइम नहीं रहता है। सो ये आपके लिए बहुत क्रूशल टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, जब आप अपने पार्टनर के साथ सॉरी मेरा कोरोना वायरस नहीं हुआ जो बोल रहा था, जब अपने पार्टनर के साथ दिल खोल के बात कर सकते हैं। बहुत सारा गिला शिकवा होता है जो दिल के अंदर अंदर रहता है, उसको निकाल दीजिए, वरास निकाल दीजिए, एक दूसरे से निकाल दीजिए, सब बात शेयर कर लीजिए, देखेंगे कि आप डेफिनेटली सब सही हो जाएगा। देखिए लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा एक दोस्त होता है, तो उसको भी माना कीजिए। मुझे पता है कि आप चिड़चिड़ा होता जा रहे हो बहुत समय, क्योंकि इतना टाइम आपको घर में अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आप ये सोचिए बस कुछ दिन का मोहलत है, और आप ये जो टाइम मिला है, जैसे आप खुद बात करोगे वो भी आपसे बात कर पाएगा। देखिए ज़िंदगी तो एक साथ ही गुजरना है आप दोनों को, तो क्या करोगे, अगर एक साथ गुजरना है तो थोड़ा पहचान लीजिए, जो टाइम अभी तक मिला नहीं है फिर से उसको टाइम दीजिए। जैसे कि आपका शादी के बाद तो कम से कम 10-15 दिन तो आपने एक दूसरे को टाइम दिया था, बहुत टाइम दिया था, वो टाइम फिर से है, लॉकडाउन है, सब कुछ है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत डिप्रेस्ड होते जा रहे हो, डिप्रेस्ड मत होइए, ये टाइम में फैमिली को अच्छे से समय दीजिए, एक दूसरे को पहचानिए, बॉन्डिंग और भी मजबूत कीजिए, ठीक है, कि कल के दिन में रिश्ता और भी तगड़ा हो। और हम लोग यही चाहते हैं सब भारतवासी की ऑल वर्ल्ड में कोई भी ना जाए, फिर भी बोलेंगे डेफिनेटली अफेक्ट तो हो रहा है, शायद और भी बहुत जन अफेक्टेड होगा और डेफिनेटली डेथ होगा, मगर हम लोग नेगेटिव पार्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, हम लोग पॉजिटिव वे में सोचेंगे कि बहुत जन ठीक हो जा रहा है, ये सोचेंगे, थॉट को पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। तो बस आज का टॉपिक ऐसा यही था कि लॉकडाउन में अपना रिश्ता ठीक कीजिए। मैं मगर समझ सकता हूँ, हाँ रिश्ते का मतलब मैं मेरे आफ्टर मैरिज रिलेशन के लिए ही बोला, क्योंकि बिफोर मैरिज भी एक रिलेशन होता है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, उन लोग को डेफिनेटली बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। पहले शादी होने दो, तब जाके तो एक रिश्ता बनता है, तब जाके आप लोगों के बारे में मैं डिस्कस डेफिनेटली करूँगा। मैं हूँ अनिर्बान, आपका दोस्त हमेशा, डोंट वरी। सो वीडियो अच्छा लगे एक लाइक दीजिएगा, बुरा लगे एक डिसलाइक, और आपका राइट साइड में जो सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का जरूर दबाइएगा, उसके बाद साइड में बेल बटन। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन्फॉर्मेशन टीवी, थैंक यू, बाय बाय।